बेचता है भारत अर्नब के साथ। को प्रेजेंटेड केंटारो, पावर्ड बाय गोयल टीएमटी, डॉलर बिग बॉस। नमस्कार, मैं हूं अर्नब गोस्वामी। 21 दिन बाद आज बिहार के अहंकारी और घमंडी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुंह खोला, लेकिन बिहार के मासूमों के लिए, पत्रकारों को धमकी देने के लिए, सवाल पूछने पर मर्यादा सिखाने के लिए बीमार बच्चों के मां बाप रो रहे हैं, लेकिन घमंडी नीतीश कुमार आज मुस्कुरा रहे थे। इसलिए मैं कहता हूं कि नीतीश कुमार घमंडी हैं। 15 साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उनके शासन में, उनके कुशासन में 1000 से ज्यादा बच्चों की मौत इस बीमारी से हो गई है, लेकिन जब मौत की वजह पूछी गई तो घमंडी नीतीश कुमार पत्रकारों को धक्का मारने लगे, धक्का मारकर उन्होंने बाहर निकाल दिया। फिर कहा अपनी मर्यादा में रहो, मर्यादा की बात करने लगे। जो बच्चों की मौत पर राजनीति करता है उसके मुंह से मर्यादा जैसे शब्द अच्छे नहीं लगते। नीतीश कुमार ने आज सिर्फ पत्रकारों को धमकी ही नहीं दी, बिहार के हर मां बाप को धमकी दी है। इसलिए आज सिर्फ मैं नहीं, पूरा देश पूछ रहा है। 172 बच्चों की मौत हो गई, तब कहां थी नीतीश की मर्यादा, पूछता है भारत। अस्पताल में इलाज नहीं, गरीबों को की लूट हो रही है, तब कहां थी नीतीश की मर्यादा, पूछता है भारत। नेता बच्चों की मौत का मजाक बना रहे हैं, तब कहां थी घमंडी नीतीश की मर्यादा, पूछता है भारत। और सबसे बड़ा सवाल, जब नीतीश के पास बच्चों के लिए टाइम नहीं, फिर राजनीति के लिए टाइम कैसे? और ये घमंडी नीतीश हमें सिखाएंगे मर्यादा? मैं नहीं, पूछता है भारत। पूरे देश के लिए ये आज की सबसे शर्मनाक तस्वीर है। बिहार में हमारे बच्चे मर रहे हैं, बच्चों के माँ बाप रो रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री हंस रहे हैं। क्या यही नीतीश कुमार की मर्यादा है? अरे भाई, सारी मर्यादा का उल्लंघन आप लोग क्यों कर रहे हैं? रिटर्निंग अफसर के पीठ पर आप खड़ा हो रहे हैं? आप इधर आइए, आप लोग आइए इधर। बिहार में बच्चों की मौत का आंकड़ा 170 के पार पहुंच गया है, लेकिन नीतीश कुमार सियासी सेटिंग में शामिल हैं। मुजफ्फरपुर में बच्चों के माँ बाप मातम मना रहे हैं और वहां से 75 किलोमीटर दूर पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पत्रकारों को मर्यादा सिखा रहे हैं। सारी मर्यादा का उल्लंघन आप लोग कर रहे हैं। 21 दिन बाद धमकी के लिए जुबान खुली, लेकिन जब बच्चों की मौत पर सवाल पूछा तो पहले हंसे और फिर मुस्कुराते हुए निकल गए। जो पहले मौत पर मौन थे वो मौत के सवाल पर मुस्कुरा रहे हैं, और उनके नेता पूछ रहे हैं कहां कोई मौत हुई। सही है नेताजी, गरीबों के बच्चे भी भला इंसान होते हैं। गरीब की मौत मौत नहीं, मजाक होती है। मुझे नहीं पता है, ना किसी जनता ने मुझे खबर किया है कि हमारे लोकसभा में कोई बीमार है, आप आइए चाहे नहीं आइए। मुजफ्फरपुर में जो हो रहा है उसको कुछ है। ये सिर्फ सवाल पर सरकार का इनकार नहीं है, सत्ता का अहंकार है जो नीतीश कुमार के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। आखिर इस अहंकार की बलि कब तक चढ़ेंगे बिहार के बच्चे, पूछता है भारत। आज हमारे साथ प्रोग्राम पर है एके मिश्रा, हमारे दिल्ली में स्टूडियो में है। नमस्कार मिश्रा जी। शिवम त्यागी, जीएम शाहीन, जेडीयू केस, सैयद असीम वकार, मनीषा प्रियम, माधव आनंद है, मुख्य प्रवक्ता है आरएलएसपी के, और आज पहली बार पूछता है भारत में पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव। तो मैं पहले, और नलिन कोहली भी आने वाले हैं चंद मिनटों में,
तो मैं पहले आपको आवाज आ रही है मिश्रा जी, त्यागी जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मिश्रा जी आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है अर्नब, आ रही है। तो जरा ये बताइए, और शाहीन जी ये बताइए, आप जेडीयू के हैं तो इतनी बेशर्मी है नीतीश कुमार की, इतने घमंडी है, इतने अहंकारी व्यक्ति हैं, इतना इमेज मैनेजमेंट और मीडिया मैनिपुलेशन करते रहते हैं, सबकी सेटिंग करने की कोशिश करते हैं मगर काम नहीं करते, तो ये मर्यादा क्या सिखा रहे थे आज? ये मर्यादा किसको सिखा रहे थे आज? शासन की मर्यादा नहीं है शाहीन जी, उनकी शासन की मर्यादा नहीं है, और पत्रकारों तो पत्रकारों को क्या मर्यादा सिखा रहे थे? बोलिए शाहीन जी। मैं बोलूं क्या? अर्नब भाई 2700 यू कैन स्पेशल, बोलिए बोलिए, ठीक होके घर चले गए, वो आपको नजर नहीं आए। 2700 बच्चे ठीक होके घर चले गए, वो आपको नजर नहीं आए। आपके पत्रकार एक सरकारी ऑफिसर के कंधे पर बैठ जाते हैं चीफ मिनिस्टर के सामने, चीफ मिनिस्टर रोकने की कोशिश कर रहा है जिसको, जो आपको बुरा लग रहा है। अर्नब जी, आज भारत नहीं पूछ रहा है, ये खाली रिपब्लिक चैनल पूछ रही है। चलिए सवाल कीजिए, मैं जवाब दूंगा, सवाल कीजिए, मैं जवाब दूंगा। आप अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कितने मोतों का सौदा करेंगे? आप बहुत बोल रहे हैं, कमान कमान, आप बहुत बोल रहे हैं, आप बहुत बोल रहे हैं। चलिए चलिए हो जाए, पहली बात नहीं, पहली बात मैं फोन लाइन खोल दूंगा शाहीन जी, फिर आपको पता चलेगा, आपको पता चलेगा सवाल मैं पूछ रहा हूँ, अब मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि देश के लोग सवाल पूछ रहे हैं। अरे मैं तो सूत्रधार हूँ, क्या बात कर रहे हैं? मैं तो केवल सूत्रधार हूँ। रिपब्लिक भारत तो सिर्फ सूत्रधार है। अरे पप्पू यादव को पूछिए कि यह रिपब्लिक भारत पूछ रही है कि देश की जनता पूछ रही है? अरे आप कटघरे में, मैं नहीं हूँ, आप है कटघरे में। पप्पू यादव आज देखिए, देखिए जेडीयू, देखिए जेडीयू की नेता क्या पूछते हैं। जेडीयू के नेता बोल रहे हैं पप्पू यादव, ये लालू प्रसाद की सरकार, जेडीयू के नेता पप्पू यादव बोल रहे हैं कि किसी को मतलब। अरे पप्पू यादव, पप्पू यादव भाई 50,000 अर्नब भाई, आप लोगों के मुझे बता रहे हो, यू आर आस्किंग मी जेडीयू जनता दल यूनाइटेड को अर्नब भाई क्या पूछ रहे हो आप? कमान कितने सवाल है आप अर्नब भाई, उनको चुप कीजिए अर्नब भाई, किसी को पता है आप लोगों को? अर्नब भाई उसको चुप कीजिए, तो आवाज कम कीजिए ना। अरे खुद का पता नहीं, खुद का आता नहीं, सवाल पूछने वाले अर्नब भाई ठीक हो गए, वापस चले गए बिहार के बारे में। पप्पू यादव को बोलने दे, तेरा के चिट भी मेरी, पप्पू यादव को बोलने दे, अरे पप्पू यादव को बोलने दे अर्नब भाई, पप्पू यादव को बोलने दे भाई, आपने नाम दो बार उनका लिया तो पप्पू यादव को बोलने दे, पप्पू यादव को बोलने दीजिए, मैंने तो आपकी बात सुन लिया, आपको जवाब दूंगा मगर पप्पू यादव को अभी बोलने दीजिए। अर्नब भाई बच्चों की मौत, 15 सालों से ये सरकार में अर्नब भाई, शेम फॉर यू गाइस, और 13 सालों तक लगातार बीजेपी के मंत्री रहे हैं, शेम फॉर यू पीपल। ये 15 सालों तक 9,500 करोड़ रुपया अभी तक स्वास्थ्य विभाग का खर्च नहीं हुआ, बच्चों की मौत पे टीआरपी बढ़ा रहे, शर्म आनी चाहिए। ट्रेनिंग करने वाले नर्सेस नहीं है इसके अंदर, बैन दीज टीवी चैनल्स, जो बच्ची की मौत को, अब ये देखिए क्या बोल रहे हैं, ये सुनेंगे नहीं तो क्या जवाब देंगे? शेम फॉर दीज टीवी चैनल्स, बैन दीज टीवी चैनल्स, ये मौत मौत के, ये इनके लिए, इन नेताओं की कंटेबिलिटी पर बहस होनी चाहिए, इन नेताओं के आचरण पर बहस होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी। तो बैन कर दीजिए टीवी चैनल, मैं कह रहा हूं बैन कर दीजिए टीवी चैनल, तो बैन कीजिए, कितने बच्चे मरे, कितनों को बैन करेंगे, कितने लोगों को बैन करेंगे, कितने चैनल्स को बैन करेंगे, कितने पत्रकारों को बैन करेंगे, सबको बैन कर दीजिए, ये क्या जवाब है आपका? बैन कर दीजिए टीवी चैनल, तो बैन कर दीजिए टीवी चैनल, क्योंकि अगर बैन नहीं करेंगे तो वो कहते रहेंगे कितने बच्चे मरते हैं आपके शासन में, आपके कुशासन में, बैन टीवी चैनल, बैन देखते हैं कौन बैन करता है, कौन बैन करता है, अरे कौन होते हैं आप बैन करने के लिए? है ना आपके तक वाले पत्रकारों को चुनौती दे रहे हैं, इनके मन की बात हो तब पत्रकार बहुत अच्छा,
इनके मन की बात हो तो चैनल बहुत अच्छा, मन की बात, और जब इंसानियत और बिहार के की बात बच्चे मर रहे हैं, ये मन की बात पूछ रहा है, बहुत खराब, बड़ा आया बताने वाला है। यस, शर्म करो, शर्म करो, इनसे पूछिए, शेम फॉर यू पीपल, इनसे पूछिए कि दबाव, शेम फॉर यू पीपल, इनसे आप पॉलिटिकल रोटियां सेक रहे हो, पॉलिटिकल रोटियां सेक रहे हो, बच्चों की मौत पे क्यों हुई, इनसे पूछिए कि स्वास्थ्य मंत्री रिजाइन क्यों नहीं किया, इनसे पूछिए कि 9000 बच्चों की मौत पे पॉलिटिकल रोटियां सेक रहे हो, पूछिए अपोजिशन वाले सारे 300 आपके लालू प्रसाद यादव वाले पार्टी वाले बच्चों की मौत पे तमाशा कर रहे हैं, इनसे पूछिए, मुझसे पूछ रहे हैं, ये बच्चों पप्पू यादव ये तो एक जगह की मौत है, इनसे पूछिए कि गया और औरंगाबाद में, शर्म करो, शेम फॉर यू पीपल, हर दिन टेलीविजन चैनल से कितना अच्छा था, टीवी चैनल के ऊपर बैठने से हर चीज मौत होती है, कुछ करते इनसे इनसे इनको नहीं पता, दो दिन के बाद पता लगाते, जब चैनल को पता नहीं था सबसे पहले गया और औरंगाबाद, यू आर आस्किंग जिन्होंने बिहार को एक शक्ल दी, मुझे बोलते हो आप सड़कों पर गए तब जाकर के बातें हुई, इनसे पूछिए कल तक बिहार को जंगल राज बनाया था आप लोगों ने, क्यों नहीं है ट्रामा सेंटर, इनसे पूछिए कि क्यों इंसुलिन नहीं है, क्यों बर्फ नहीं है, क्यों आईसीयू रूम बंद है, अरे जाओ जाओ यार, जाओ पहले अपना हाल तो देखो यार, डोंट ट्राई टू ट्रीट अस, एके मिश्रा डोंट ट्राई, चलो प्रोग्राम पर एके मिश्रा भी जवाब दे रहा है, यार के भूतपूर्व 9th पास डिप्टी सीएम से मैं पूछना चाहता हूँ, मैं रावड़ी देवी से पूछना चाहता हूँ, वो साक्षर हैं कि नहीं है मुझे नहीं पता, जरा इंसेफ्लाइटिस क्या होता है, भेजिए अपने पत्रकारों को 9th पास हेल्थ मिनिस्टर से जरा क्वेश्चन पूछिए, 50 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं डेवलप हुआ, आप लोगों ने क्या किया, बिहार में जितनी सरकारें रही हैं कुर्सी पे लालू यादव के साथ बिहार की दुर्दशा इस तरह हो रही है, नहीं तो पास की मौत हुई रही है, नहीं तो पास हेल्थ मिनिस्टर जिस स्टेट का होगा तो इंजीनियर है, बच्चों क्या कर लिए 15 साल तो लंबा वक्त होता है, नहीं तो पास बिहार को मेरा घर में पहुंचा दिया है, आप हक करते हैं सरकार का पक्ष ले रहे, शर्म आनी चाहिए सरकार का पक्ष लेने वाला 15 साल से, ये कोई एपिडेमिक नहीं है, क्या बच्चों की मौत हो रही है, ये कोई एपिडेमिक नहीं है, ये कोई एपिडेमिक नहीं है, पहली बात तो ये है कि क्या इसको रोका जा सकता था, पहली बात ये है क्या इसको रोका जा सकता था, आप मुझे बताइए, कोई कहिए इस प्रोग्राम पर क्या इसको रोका नहीं जा सकता था, कहिए मनीषा प्रियम को कहिए आप कहिए आज आप एके मिश्रा को कहिए, आप शिवम त्यागी को कहिए इसको नहीं रोका जा सकता था, कहिए मुझे शिवम त्यागी, आप मुझे ये कहिए कि इसको नहीं रोका जा सकता था, पप्पू यादव प्रोग्राम पर है, कहिए पप्पू यादव को, कहिए पप्पू यादव को नलिन कोहली ये नहीं रोका जा सकता था, रोका नहीं किया, सच बात तो ये है, लापरवाही के कारण रोका जा सकता था, 626 बच्चे अस्पताल में अपनी जान के लिए लड़ रहे हैं, आप लोग इधर मुझे शर्म आती है कि हमको कैमरा ले जाके आपको दिखाना पड़ता है कि हालत क्या है वहाँ पे, स्वास्थ्य मंत्री करो, 5 साल काफी लंबा वक्त होता है, सत्ता तो हमेशा प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष रूप से एक परिवार के पास रही है, बिहार में तो सत्ता इनके अस्पतालों में प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष वन हेल्थ वन एजुकेशन वन नेशन की बात नहीं होगी, वन नेशन वन इलेक्शन, आप अपने आप को अपना देखिए, 9th पास हेल्थ मिनिस्टर बनाएंगे तो यही होगा, और बनाइए 9th पास लोगों को हेल्थ मिनिस्टर, शिवम त्यागी उनसे शिवम त्यागी कोलकाता से 13 सालों तक पप्पू यादव को कुछ कह रहे हैं, 13 सालों तक इनसेप्लाई 13 सालों तक कौन थे हेल्थ मिनिस्टर, 13 सालों तक पर फंड जो है वेलफेयर के लिए खर्च किया जाता है, घोटाले नहीं किए जाते, किसी की जेब नहीं भरी जाती, मुझे लगता है आपको दर्द जरूर हो रहा होगा, लेकिन होगा, बच्चों की मौत की जहां तक बात है, इस पूरे देश की संवेदना इसके साथ है, बिहार सरकार की संवेदना इसके साथ है, केंद्र सरकार की संवेदना इसके साथ है,
और इसके साथ साथ आयुष्मान के डिप्टी सीईओ इस पे नजर बनाए हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री नजर बनाए हुए हैं, हर्षवर्धन जी नजर बनाए हुए हैं। लेकिन यकीन मानिए आपने जो सरकार बिहार में चलाई है उसको देखते हुए तो आज की सरकार बहुत बेहतर है। मैं कहता हूँ इसमें और बेहतरी होने की जरूरत है, चीजों में सुधार की हमेशा गुंजाइश होती है पप्पू यादव। लेकिन सरकार ने जमाना ये भी था, जहाँ परेशानी होती है तो श्रीमती राबड़ी, आप मुझे ये बताइए, जेल में जाना पड़ा, आप मुझे ये बताइए, नलिन कोहली भी डिबेट पर हैं, शायद असीम वकार भी डिबेट पर है, मनीषा प्रियम भी डिबेट पर है। मेरा सवाल पहला एक ये है, मेरी बात सुनिए, नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव में 171 रैली की, तब उनके पास वक्त उनके पास था, 171 शहीद असीम वकार, 171 पॉलिटिकल रैलीज उन्होंने की, उसके लिए उनके पास समय था, मगर बीमारी से 172 बच्चे मर गए तो उनके लिए 6 मिनट भी नहीं है उनके पास अस्पताल में। अरे शर्म करते तो खुद झाड़ू लेके हाथ में अस्पताल को साफ करते तब मैं मानता कि ये मुख्यमंत्री घमंडी नहीं है, मगर मैं पूछता हूं, मैं नहीं नलिन कोहली, शायद असीम वकार जी, मैं पूछ रहा हूं नलिन कोहली को आज कि नलिन कोहली, मैं नहीं पूछता है भारत कि आप लोग उल्टी गिनती क्यों कर रहे हैं, आप लोग उल्टी गिनती कर रहे हैं कि नीतीश की सरकार खत्म हो जाएगी उसके बाद बीजेपी आ जाएगी, मगर आपके आपके मन में अपने अंतरात्मा में ये तो सोचिए कि हर दिन जब आप उनके साथ बैठ के सरकार चला रहे हैं आप उनको खुली छूट दे रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं कि जो मन में आए कीजिए, बैठे रहिए, बीजेपी आपके साथ है, क्यों है बीजेपी नीतीश कुमार के साथ? 172 बच्चे मर गए, क्या आपको संख्या 200 के ऊपर होगी तब आपकी आंख खुलेगी? नहीं नलिन जी, आपकी आंख कब खुलेगी? आपकी आंख कब खुलेगी? पॉलिटिक्स कब बंद होगी? अर्णब जी, 172 बच्चे बिहार में मर चुके हैं नलिन कोहली जी, नीति नहीं कर रहे, और पप्पू यादव भी डिबेट पर है, कुछ कह रहे हैं आपको पप्पू यादव जी, बोलिए आप, अति दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत पीड़ा की बात है, आप उनको डायरेक्टली कहिए, बहुत परिवार जो है उनके साथ बहुत बुरा हुआ है, और आपसे ये भी कहे इसकी गंभीर चिंता हो रही है केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से, ये भी है, आज आपने देखा होगा हमारे 17 सांसद 25-25 लाख रुपए अपने फंड से देने वाले हैं ताकि हर जगह जो है कम से कम उन क्षेत्रों में ये पेडियाट्रिक वार्ड्स बने, ठीक है, जो कमियां भी जो होंगी उसके ऊपर में जांच बाद की बात है, लेकिन इस वक्त गंभीरता से इस स्थिति को नियंत्रित करना हम सबकी प्राथमिकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पप्पू यादव जी या ये सब इनका ठीक है, अधिकार है, ये राजनीति करे, राजनीतिक लोग के मारने के, लेकिन पूरा इनके शासन काल में भी प्रश्न उठेगा, लेकिन ये कहना कि हम इसके लिए चिंतित नहीं है ये गलत होगा, हमारे लिए बहुत पीड़ाजनक बात है कि कोई भी बच्चा भारतीय जो है अगर मरता है और इस प्रकार की जो स्थिति हुई है ये अति गंभीर स्थिति है, उस पर कार्य हो रहा है। ये नेताओं से मत पूछिए, ये नेता लोग डिजास्टर हो चुके हैं, पंद्रह सौ लोग मर चुके हैं, ये 172 बच्चे नहीं है, इनको बताइए गांव का गांव जाकर के देखे खाली हो चुका है, 20 दिनों के बाद नींद टूटती है इनकी, 10 सालों में नींद नहीं टूटी। मुझे लगता है अब पप्पू यादव जी एक नई संस्था ना बन जाए अपने आप में, जो स्टेटिस्टिक्स को अपने आप ही वो पैदा करना शुरू कर दे, मतलब इस प्रकार की कुछ गंभीरता रखिए, ये ऐसा थोड़ी ना मौत के ऊपर में इस प्रकार की राजनीति होगी, कहेंगे हजारों लोग मर गए ऐसे ही कहने के लिए ताकि आपका एक राजनीतिक विषय बने, जहां पर जो आंकड़े हैं वो सही आंकड़े सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन आप हमें ये थोड़ी ना कोई बात है कि 171 बच्चे कम है, 171 ये परिवार है, राजनीतिक नहीं सामाजिक विषय है नलिन कोहली, क्या राजनीतिक विषय? 19 दिन में 125 बच्चों की मौत हो गई, 119 दिन में 125 बच्चों की मौत हो गई, तो ये राजनीतिक विषय नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? यही तो सबसे बड़ा राजनीतिक विषय होना चाहिए, और हमारा दायित्व भी नहीं, मगर सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा तो यही बनना चाहिए, और क्या बनना चाहिए? आपका दायित्व क्या बनता है? कितनी गर्मी है उस पर हम राजनीतिक मुद्दा बनाए कि 15 सालों में ट्रेन लेट क्यों है उस पर राजनीतिक मुद्दा बनाए? आपका दायित्व क्या बनता है? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक्सरे मशीन अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन नहीं है, उठाने पर प्रश्न नहीं उठा रहा, मैं पप्पू यादव जी जो कह रहे हैं ऐसे करना, राजनीति करना जैसे हजारों मर गए और कहना मौत के ऊपर राजनीति करना, उसके ऊपर स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ और कहूंगा, मतलब आपका पूरा अधिकार है प्रश्न पूछना, आप मीडिया है, किसने कहा कि आपके मीडिया के नहीं, मगर नीतीश कुमार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को बच्चों की चिंता नहीं है, एक बेड पर 7 बच्चे,
नहीं नहीं आप मैं कह रहा हूँ, एक बेड पर 7 बच्चों का इलाज हो रहा है, इसकी चिंता नहीं है सर, आप पता इसकी चिंता नहीं है, उनकी चिंता है स्कोर पर, क्रिकेट स्कोर पर, क्या कौन सा विकेट कब गिरा उस पर चिंता है, मगर इस मुद्दे पर आपने क्यों नीतीश कुमार को, अच्छा ये बताइए नलिन कोहली जी, ये बताइए आप आज नलिन कोहली जी शायद सब वकार भी डिबेट पर है, आप नहीं नहीं मेरी बात सुनिए, आप क्यों नहीं, आपने क्यों नहीं कहा कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जो आपके पार्टी के हैं, आपके पार्टी के बिहार के अध्यक्ष हुआ करते थे, अरे बाहर निकालिए उनको, क्यों शायद असीम वकार, तो एटलीस्ट बच्चों के परिवारों को लगता कि आपको कोई चिंता है, सहानुभूति है, बिहार की जनता के लिए ट्वीट नहीं करते, अरे बिहार की जनता के लिए क्यों करेंगे, 5 साल को बिहार नहीं देखेंगे वो, अरे वाकई सर बिहार की सर नलिन हम दिखा रहे हैं, असल में लड़ रहे हैं आपस में, इनको बच्चों की फिक्र नहीं है, इनको सरकारों की फिक्र है, भारत जो कार्यक्रम की कल्पना, इनको सरकारों की फिक्र है, इन्हें बच्चों की फिक्र नहीं है, देश में कभी किसी ने कल्पना की कि अगर ये आपस में लड़ाई बंद कर दे तू मैं बंद करके इसका हल निकालना चाहे तो शायद निकल सकता है हल, 26 लाख लोगों को अभी उसका फायदा हुआ है, मैं नलिन कोहली जी से गुजारिश कर रहा हूं, इसीलिए तो नए भारत की जब बात करते हैं, एक एक ये विषय जो मैं नलिन कोहली जी से गुजारिश कर रहा हूं, मुझे उम्मीद है नलिन कोहली जी मेरी बात सुनेंगे, नहीं जरूर सुनेंगे, मैं नलिन कोहली जी से गुजारिश कर रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात सुनेंगे, सर ये वक्त तूतू मैं का नहीं है, मैं किसी भी कीमत के ऊपर किसी के ऊपर आरोप लगाने नहीं बैठा हूं, 172 बच्चे हैं सर जिनके माँ बाप ने अपने बच्चे खोए हैं, उनके दिलों से पूछिए, और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, अर्णव गोस्वामी जी आपको भी कह रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा मेरी बात की गहराई समझिएगा, अगर आप लोगों ने चुनाव से पहले पाकिस्तान पर और मुसलमान पर और इस पर और उस पर चुनाव ना लड़ा होता, स्वास्थ्य सेवाओं पर और डेवलपमेंट पर और ईमानदारी से सच्ची सेवाओं पर अगर आपने चुनाव लड़ा होता और प्रचार इसी तरह से टेलीविजन पर हुआ होता तो मैं समझता हूँ आज हालात दूसरे होते, चुनाव तो आप लड़ते हैं किसी और मुद्दों पर, और यहाँ पर आप बैठकर आज आप डिबेट कर रहे हैं, कर रहे थे वकार जी, आप जरा इधर भाषण ना दीजिए पहले कि आप कौन से पॉलिटिक्स आप कर रहे थे, आप प्लीज आपके कितने आईसीयू हैं सर, असदुद्दीन ओवैसी के बिंदु सर आपके पास आईसीयू नहीं ठीक से, आप नहीं नहीं आप एक दूसरे को कहिए नहीं है सर, आप एक दूसरे को कहिए, मगर ये तो आप ही करते हैं, आपका व्यापार है, राजनीतिक व्यापार आपका है, अरे मैं कह रहा हूं आपको इस पर राजनीतिक व्यापार तो आप लोग करते थे, मुझे ये हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स आप करते थे, ऐसे नेता हमारे ये तो रिपब्लिक भारत में उजागर क्या है, बुरा मत मानिए, रिपब्लिक भारत में उजागर क्या है कि बिहार में क्या हो रहा है, आप मुझे उल्टा सच्चाई बोल रहा हूं, मुझे लेक्चर दे रहे सर, बच्चों के बारे में सोचिए, पाकिस्तान की सहानुभूति कुछ भी बारे में सोचिए, क्या हो गया वकार साहब, आप बच्चों की चिंता करिए, और अरे सच्चाई तो मैं दिखा रहा हूँ, आप रिएक्ट कर रहे हैं, आप तक खाते हैं, आप दरिद्रम हिंदू मुसलमान सबके लिए बम फोड़ते हैं, उनके लिए दिल ही दुखता है आपका, पुलवामा में 44 जो परिवार खत्म हुए क्योंकि 44 हमारे सैनिक जो है मारे गए बम ब्लास्ट में आईडी में, उनके लिए दर्द नहीं हुआ, आपको समझ रहा है, जहां पर बम और गोलियां चलती है पाकिस्तान सीमा से, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, गोली खाते हैं, उनके लिए चिंता नहीं होती क्या, उनके परिवारों में कम दुख होता है कि जब एक बच्चा मिलता है, आपको क्या लगता है कि क्या ये पूरे चुनाव जो है कि पूरे भारत के लोगों ने जो वोट किया पाकिस्तान के लिए वोट किया, पाकिस्तान को मद्देनजर मैं भारत सरकार से मांग करता हूं, क्या लेना देना, एक स्वास्थ्य नीति बनाई जाए, नहीं हो रही थी, मैं आयुष्मान भारत नहीं आया जहां 26 लाख लोगों को उसका फायदा मिला, क्या गरीब जो हमारे किसान है उसे ला सकते हैं अकाउंट में पैसे, लेकिन हमको ये देखना है कि अगले साल जब बरसात का महीना आएगा इंसेफेलाइटिस ना आए, बच्चे ना मरे, यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि बच्चों को होगी, मुद्रा लोन नहीं सर, आप बोलने नहीं देंगे, ये चीजें अलग कर लो, पाकिस्तान को ये आपको क्यों ऐसा लगता है कि मुसलमान के बड़े नेता, ये सारे बड़ी बड़ी बातें हैं, ये सारे पॉलिटिशियन हमेशा करते हैं, पप्पू यादव उसके बाद मुसलमान है, जैसे ही हम हिंदुओं में भी पहले भारतीय हैं उसके बाद हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन बौद्ध ईसाई कुछ भी है, संविधान में पहले भारतीय बनाते हैं और भारतीय से पहले इंसान, ये सारे आप लोग ना एक दूसरे को भाषण दे रहे, मूल मुद्दे पर तो आ नहीं रहे, मूल मुद्दे पर तो बात नहीं कर सकते, मनीषा प्रियम भी हमारे साथ है, मनीषा मुझे लगता है कि हमें इस वक्त फिर से दिखा देना चाहिए कि बिहार में आज शाम को स्थिति क्या है, दिखा दे विकास, विकास शर्मा पिछले एक हफ्ते से पर्दाफाश कर रहे हैं, डेली पर्दाफाश कर रहे हैं, और विकास आपको पता है कि नीतीश कुमार ने आज हमें मर्यादा सिखाई है, उन्होंने कहा है कि भाई पत्रकार हो मर्यादा में रहो, सरकारी दफ्तर में आके आपने कैसे हिम्मत कैसे हो गई कि आपने कलेक्टर के सामने आपने पूछ दिया कि भाई बच्चे मर रहे हैं उसके बारे में आपने सवाल पूछा,
क्या आप नहीं देख रहे हो कि इधर मैं पॉलिटिक्स करने आया हूँ, मैं रामविलास पासवान के साथ बैठा हूँ, मैं किसी चुनाव के लिए नामांकन पत्र किसी का करवाने आया हूँ, पॉलिटिक्स मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है, पॉलिटिक्स मेरी जागीर है, पॉलिटिक्स मेरा इंटरेस्ट है, मैं राजनीति कर रहा हूँ, राजनीति जरूरी है, बच्चे मर जाए तो मर जाए। और बाहर आके कोई दो पत्रकार पूछ ले उनको कि भाई नीतीश कुमार जी जरा इस पर भी बात कर दीजिए कि आपके आंखों के सामने 172 बच्चे मरे हैं, तो फिर कहते मर्यादा में रहो। अरे क्या मर्यादा है जरा दिखा दीजिए, ये सबसे नॉन मर्यादा मुख्यमंत्री है, ये सबसे बेशर्म और घमंडी और अहंकारी मुख्यमंत्री है। इन्होंने आज ठान के रखी है, मैं कह रहा हूं विकास, कि और बच्चे मरे, क्योंकि इन्होंने डिसाइड किया मैं पॉलिटिक्स करूंगा, मैं अलायंस पॉलिटिक्स करूंगा, मैं पासवान के साथ बैठकर और पॉलिटिक्स करूंगा, मैं खेल खेल में पॉलिटिक्स करूंगा, और बच्चे मर जाए और कोई पत्रकार पूछ ले कि भाई इस पर आप टिप्पणी देंगे अपनी विशेष टिप्पणी, तो वो बोलेंगे कि भाई अपनी मर्यादा में रहो। क्या है हमारी मर्यादा विकास, जरा बता दे लोग, हमारी मर्यादा है सच दिखाना। और मैं चाहता हूं कि चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के हम अपने मर्यादा का पालन करें, क्योंकि मुख्यमंत्री तो अपने मर्यादा भूल चुके हैं। तो मैं कहता हूं विकास, आप अपने मर्यादा का पालन कीजिए और बिहार की जनता, बिहार के मुख्यमंत्री को हो सके तो दिखाइए, क्योंकि वो टीवी चैनल बंद करके बैठे हुए हैं, उनके घर में जाके कोई दिखाए उनको कि उन्होंने अपनी मर्यादा कैसे भूली है। विकास ओवर टू यू, विकास ओवर टू यू, दिखा दीजिए उनको। मैं आपको बता दूं कि एक दिन सफाई तो वो कर नहीं पाए, मर्यादा सिखाने चले हैं। एक आप देख लीजिए, बच्चे मर रहे हैं, उनको रोक नहीं सके, मर्यादा सिखाने चले हैं। वो बिजली ठीक नहीं कर पाए, अभी पूरे हॉस्पिटल में अंधेरा हो गया था 10 मिनट पहले, वो मर्यादा दिखाने चले हैं। वार्ड के सामने गंदगी बदबू आ रही, मर्यादा दिखाने, दिखाइए जरा, ये नीतीश जी को भी दिखाएं, ये मर्यादा है, ये मर्यादा नहीं, बेशर्मी दरअसल होती है, ये ढीठपना होता है, ये जिद्दीपना होता है, हम नहीं सुधरेंगे। ये अस्पताल है, वार्ड के लोग आज भी लोग हमसे कह रहे हैं कि 3 दिन से आप लोग लगातार दिखा रहे हैं, उनको कुछ असर नहीं होता है, वो बहुत नींद में है, गहरी नींद में है, सो रहे हैं। आप ये देखिए लाइट चली गई, अब उधर चलिए, वार्ड की स्थिति दिखाता हूं, लाइट चली गई पूरे अस्पताल में, ये स्थिति हो रही है पिछले 10-15 में, देखिए लाइट चली गई, दिखाइए लाइट चली गई, इधर आइए, ये लाइट चली गई है, देखिए लाइट नहीं है, लाइट ही नहीं है वार्ड, ये देखिए इधर से, ये देखिए भूल जाइए टॉर्च, मर्यादा सिखाते हैं टॉर्च में, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये हो रहा है, ये शर्म करो नीतीश कुमार, शर्म करो, रिजाइन करो, रिजाइन करो, ये देखिए मर्यादा सिखाते हमको, ये आधे घंटे में 10 बार लाइट जा रही है, आधे घंटे में 10 बार लाइट जा रही है, आप आइए इधर दिखाते हैं, ये तो स्थिति हो गई है, कबाड़ तो अभी हटा ही नहीं, हम कहते कहते थक गए, हर रोज वो मर्यादा की बात करते हैं, हम यहाँ लोग परेशान हो रहे हैं कि क्या हो रहा है, आप लोग इतना दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री क्यों नहीं जाग रहे हैं, क्यों नहीं सफाई हो रही है, ये देखिए यहाँ पर, आप इधर जहां तक भी, ये वार्ड इधर आई, वार्ड नहीं करेंगे, ढीठ पना हो गया, जगह पानी भरा, नीतीश कुमार ढीठ है, और ये देखिए नलिन कोहली, देखिए ना कुछ तो कहिए, नलिन कोहली टीवी की तरफ देखिए, इधर दिखाइए, नलिन कोहली टीवी की तरफ देखिए, ये देखिए इधर दिखाइए, ये वार्ड, शाहीन जी टीवी को देखिए, शाहीन जी टीवी को देखिए, टीवी को देखिए, नलिन कोहली देखिए, बच्चे भर्ती हैं आपके आंखों के सामने, देखिए टीवी, टीवी देखिए, नलिन कोहली उधर जाइए, सामने सटिए, वार्ड दिखाइए, ये देखिए वार्ड, देखिए ये मर्यादा सिखा रहे, आप उनको निकाल क्यों नहीं रहे, नलिन कोहली दिखाइए वार्ड, ये देखिए, ये देखिए, ये फिर लाइट गई, फिर लाइट जाई, फिर और इस अस्पताल में नेता टूरिज्म करने पहुंच जाते हैं, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है वहां पे, ये नेता लगातार आ रहे हैं, इधर आइए, हालत ये है, देखिए देखिए नलिन कोहली, देखिए ना आप नलिन कोहली, नलिन उस उन तस्वीरों को टीवी पर जा रही थी, उसको कमर में दर्द आ गया, उसको एक 8वें मंजिल पर शिफ्ट करना था, ये आप इधर भी देखिए, ये पानी अभी तक नहीं हटा है, देखिए ये देखिए सामने यहाँ पर ओपीडी भी है, विकास एक मिनट, तस्वीरें उस पर ही, आप फोकस रखिए वहाँ पे, क्योंकि मच्छरों का ढेर है वहाँ पे, एंसेफेलाइटिस, क्या वहां पे बुरी और बीमारियां हो जाएंंगी बच्चों को, आप जरा क्लोजअप दिखाइए, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक कचड़े को क्लोजअप में नहीं दिखाया जाए, जब तक गंदे को क्लोजअप नहीं दिखाया जाए, जब से गंदगी और जो हालत है उसको क्लोजअप नहीं दिखाया जाए, तब तक ये सीखते नहीं है, इसलिए क्लोजअप एक तरफ और रूलिंग पार्टी के नेता एक तरफ। तो मैं पूछ रहा हूँ, शाहीन जी भाग कहाँ गए, शाहीन जी को बुलाइए वापस, नलिन कोहली जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप एक तरफ और कचरा एक तरफ, आप इस कचरे पर कोई आपकी विशेष टिप्पणी है, कोई थोड़ी तो विशेष टिप्पणी कीजिए ना नलिन कोहली जी,
विशेष टिप्पणी कीजिए ना, कुछ तो कहिए पप्पू यादव जी, नलिन कोहली को इसको कुछ कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? बिल्कुल, टिप्पणी क्या कहना, तो कहना चाहिए ना, तस्वीर आपकी आ रहे हैं बिल्कुल सत्य दिखा रहे हैं और ये बहुत गंभीर विषय है। पप्पू यादव जी आपको दिख रहा है टीवी पर? बिल्कुल, इसको कैसे पब्लिक बारे कौन है, आप डिफेंड थोड़ी ना कर सकते अगर गंदगी है। बिहार के इनके बिहार के गंभीरता से इनको कोई लेना देना नहीं, इनको गरीबों के दर्द से कोई लेना देना नहीं। पप्पू यादव गरीबों का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ वोट और सियासत के लिए। जो गुंडा राज था जिस जमाने में, मतलब सारे पैसे जो है इंसानों के पैसे, मतलब जानवरों के पैसे भी चोरी किए गए थे, क्या आप यहाँ पर भाषण दे रहे हैं पप्पू यादव जी? कम से कम जो है, कम से कम बिहार में सुधार के प्रयास तो किए जा रहे हैं, ठीक है, ये हमारी कमी दिख रही है इसमें। यहाँ सफाई की आवश्यकता है, बच्चों की जो जान गई है उसकी चिंता है हमें, वो आपको पुराना बिहार जो है बिल्कुल याद नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं लीपा पोती करके उसको बुला देंगे? वो उसकी अपनी जगह थी और यही तो आपने सबको पकड़ाया है, मुझे जो बिहार में मतलब हालत कर दी थी 15 साल की लालू प्रसाद यादव के शासन में। याद है जनाब, ठीक है, वो चिंता है, हमारी सरकार है, हमारा दायित्व है, हम अपनी सरकार से भी नहीं भाग रहे हैं, दायित्व से नहीं भाग रहे हैं। आप तो उनके साथ भी सरकार में थे। बिल्कुल, मैं थोड़ा ना बहाने कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ये चिंता का विषय जिस प्रकार की तस्वीर दिखा रहे हैं। इसीलिए तो 25-25 लाख रुपए तुरंत जो है हमारे एमपी के फंड से दिया जा रहा है, 17 हमारे एमपी तुरंत दिया जा रहा है एक ही जगह, मतलब कुछ तो प्रयास तो करे जा रहे हैं तुरंत, सिर्फ एक ही जगह थोड़ी स्थिति है, पूरे बिहार के अस्पतालों की स्थिति यही है जनाब, और महल बन जाएंगे, डॉक्टर कहां से लाइएगा? बिल्कुल जनाब, और ये पूरी स्थिति का दायित्व जाएगा जो हर सरकार ने किया है। नहीं बिल्कुल, दवाई कहां दिलाएंगे, तो बोल रहा हूं जो चोरी होती थी, चारे का चोरी हुई थी, दवाई की कहां नहीं हुई 15 साल में, लेकिन अब हमारी सरकार है, ये तो हमें सुधार करने हैं। और नियत कहां से लाइएगा करेंगे कि आप सुधार करेंगे? ये जो इच्छा शक्ति होती है, ये जो नियत ही तो है, बस बस बिल्कुल ठीक है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने आज सबसे उचित शब्दों का प्रयोग किया, जो नियत की बात की, नियत और नियति दोनों नहीं थी आपकी सरकारों में, हमारी सरकार में नियत भी है, नियति भी है, ठीक है, हम मानते हैं कि ये कमी है इसकी, लेकिन ये पूरे होंगे क्यों नहीं होंगे? हम नीतीश जी के साथ नहीं थे क्या? भारतीय जनता पार्टी अपने दायित्व से कभी नहीं हटती, मोदी जी जो है गरीबों की सेवा के लिए लगातार दिन रात लगे हैं, हमारे हर जो इलेक्टेड मेंबर है जो भी सरकार में उनके ऊपर में दायित्व है कि उनको सारे काम करते हैं, हम सब पर है जो हम कार्यकर्ता है। आप तो हर बातों को नियति पर छोड़ देते हैं, हर बातों को भगवान पर छोड़ देते हैं। आप इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। औरंगाबाद में बहुत हुई। नहीं, बुरी बात यह मनीषा, नहीं अभी दबाने की कोशिश हो रही है, और एक बात मैं कह दूं, अभी दबाने की कोशिश कर हो रही है नीतीश कुमार से, और नीतीश कुमार के अफसर, नहीं नीतीश कुमार के अफसर मीडिया कर्मियों को, मीडिया हाउसेस को, मीडिया के एडिटर्स को, मीडिया के मालिकों को, सबको कह रहे हैं। नहीं मनीषा प्रियम, अभी नीतीश कुमार सबको फोन करके कह रहे हैं कि आप अगर इस पर और रिपोर्टिंग करेंगे तो आपके लिए बुरा होगा, और बिहार के एक अस्पताल में भी ये सबको दबाव डाल रहे हैं। बिहार के एक अस्पताल में बीमार बच्चों के माँ बाप मनीषा प्रियम रोते रोते बिलखते बिलखते बता रहे हैं कि भाई हमारे पास कैमरा मत लाइए, हमको धमकी दी जा रही है कि अगर मीडिया में बोला तो बच्चों का नाम काट देंगे, अगर मीडिया में बोला तो जो अस्पताल में कचरे का डब्बा अस्पताल है वहां पे तो भर्ती हो, वहां से भी आपको निकाल देंगे। ये नीतीश कुमार की मर्यादा है, ये ब्लैकमेल की मर्यादा है, और ये मर्यादा सिखा रहे हैं लोगों को, बिल्कुल गलत है, उसकी पूरी जानकारी आनी चाहिए। नहीं यही राज है, अरे यही राज है मनीषा प्रियम, आप बता दीजिए नलिन कोहली को क्या राज है, पूरा डिबेट आप ये लोग, नहीं नहीं आप हमेशा नीतीश कुमार, पूरा डिबेट नलिनी जी, लालू यादव जी, नीतीश कुमार, पूरा डिबेट जो आप कर रहे हैं इसमें औरतें अगर बच्चे उनके मर भी जाएं और उस पर वो बिलखे भी अगर, तब भी यहां इतने लोग पत्थर दिल हो चुके हैं कि केवल बेहयाई की राजनीति की रोटी सेकेंगे, बच्चे की मौत भी, उसकी मां का बिलखना भी किसी को हिला नहीं सकता। आज बिहार के सबसे बड़े फिजिशियन डॉक्टर सीपी ठाकुर, जो स्वयं भाजपा के साथ रहे, स्वयं जयप्रकाश नारायण के फिजिशियन रह चुके हैं वो, उन्होंने आज लिख दिया है कि इस पूरे हालात पे एक डॉक्टर और प्रोफेशनल के रूप में उनको बहुत दुख है कि इस पूरे तरीके से जो करना चाहिए था एक मेडिकल प्रोफेशनल बॉडी को, वो नहीं किया गया वहाँ, और राज्य सरकार में इतना बड़ा जो हेल्थ का महकमा है वह आखिर क्यों है? हेल्थ मिनिस्ट्री पूरा डिसॉल्व कीजिए, हेल्थ मिनिस्टर को आप बर्खास्त कीजिए, और नीतीश कुमार जी स्वयं डिस्ट्रिक्ट्स में जाके
और वहां राज्य चलाते हैं, सारे अफसर जन उनके जाते हैं चुनाव के पहले, सात निश्चय और इस पे डिस्कशंस होते हैं, आज वो को लोकेट करें, पटना छोड़ें, मुजफ्फरपुर जाएं, जो जनता बार बार वोट देके 2005 से उनको जिता के लाती है, और जिन वोट महिला वोट बैंक के नाम पर वो कहे जाते हैं कि सुशासन बाबू हैं, उनके बच्चों की मौत पर वो आबरू हो, सामने सामने आबरू हो, ये कचरा खाना जो है स्वच्छ भारत का पूरा। अर्णब मैं आपको बता रहा हूँ, ये समस्या आज की नहीं है, स्वच्छ भारत आज ये हो गया, उसमें 50-60 साल से बिहार के सरकारों ने क्या किया आपको मैं बता दूं, सबसे कम इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ पे जो खर्चा होता है बिहार में होता है, पूरे इंडिया का आधा होता है, इंडिया में 800 रुपए पर कैपिटा है, बिहार में 350 रुपए है, ये समस्या आज की नहीं है। आप ये पैसों की कमी की बात नहीं है मनीषा प्रिया, कह रहे पैसे नहीं है, पैसों की ये कह रहे हमारे पास पैसे नहीं है, देखिए 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 इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता कि आपके पास पैसे नहीं है, मीडिया को उसका दायरा बताने के 70 सालों में बीच आप लोग मीडिया को अपना दायरा बता रहे हैं, तो मैं आपको अपना दायरा बता रहा हूँ कि 21,000 करोड़ के बजट का इस्तेमाल सर अगर यही हालत रहा 21,500 करोड़ रुपए का सरप्लस है नीतीश कुमार के पास, तो यही सरप्लस है बजट में, सरप्लस है। अरे पप्पू यादव ये झूठ बोल रहे हैं, इनको बोलिए 21,500 करोड़ रुपए का सरप्लस है नीतीश कुमार के पास, और वो कह रहे हैं कि पानी पीने का पानी नहीं है, बेड नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, पैसे नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, एक के बाद सरासर झूठ झूठ बोल के कितने दिन तक चलाएंगे आप? बिल्कुल पप्पू यादव जी, इससे बड़ा झूठ हो सकता है कि नीतीश कुमार के पास पैसे नहीं है? नीतीश कुमार के पास पैसे नहीं है साहब, आज जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हो आप, 70 सालों से क्यों नहीं किया, 70 सालों से क्यों नहीं डेवलपमेंट हुआ आप मुझे बताइए ना, डेवलपमेंट की नींव ही नहीं रखी गई है वहाँ पे भैया, राजनीति नहीं हुई है, संतरी का कुर्सी को चाहिए, अरे सर बहानी चाहिए नीतीश कुमार, पूरे कैबिनेट को 15 साल से एक व्यक्ति बैठा हुआ है और आज बच्चे मर रहे हैं, और व्यक्ति बात कर रहे हैं जिसमें सर बहाना चाहिए, मेरा व्यक्ति को तो डॉक्टर रहना ही नहीं चाहिए, हेल्थ मिनिस्टर अभी भी वक्त है, आप जाना चाहिए गांव गांव में, आपकी सुरक्षा देंगे, आप घोटाले करिए, गांव के लोग खाली कर रहे हैं, घोटाले करिए, सरकार की व्यवस्था कर रहे हैं, चारा घोटाले करिए, आप डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते हैं, जिंदगी में पहली बार तो एम्स गया वहाँ पे, 70 सालों में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, किसके तरफ है पहले पूछ लीजिए, ये सरकार के तरफ है, नीतीश के तरफ है, या किधर के तरफ है, न इनको बिहार से मतलब है, न बिहार में कभी मुजफ्फरपुर में गए होंगे, किसके तरफ है, डेढ़ साल की बात करते हैं, अरे 1.5 साल में क्या 15 साल से व्यक्ति बैठा हो, क्या आप अगर मुख्यमंत्री हो गया तो 19 दिन लग जाते जाने में, सरकार बनानी चाहिए, दोनों तरफ की बात करते हैं, पैसे को खा डालते हैं, घोटाला कर डालते हैं, मतलब नहीं है जो चारा घोटाला इनको पता ही नहीं है, और यहाँ बैठे हुए हैं कहते हैं 1.5 साल में हेल्थ मिनिस्टर था, पहुंचे नहीं है लोगों को देखने के लिए, एक्स हेल्थ मिनिस्टर बनना होगा, अरे एक्स हेल्थ मिनिस्टर का काम है ये, जो हेल्थ मिनिस्टर है, अरे एलिफेंट एनसेफेलाइटिस, अच्छा बताइए आप बताइए मुझे, अरे आप बताइए मुझे, आप बहुत बात कर रहे हैं, आप बताइए मुझे एनसेफेलाइटिस के रोकथाम के लिए, एनसेफेलाइटिस के रोकथाम के लिए नियमों का पालन क्यों नहीं हुआ, एनसेफेलाइटिस के रोकथाम के लिए 2015 में आप देखिए मीडिया को मर्यादा का परिभाषा समझाने वाले बीजेपी नेता इस बात का ध्यान बताए मुझे इसके बारे में कि 2015 में एनसेफेलाइटिस का रोकथाम के लिए बनाए गए नियमों का स्वास्थ्य कर्मी ठीक से पालन क्यों नहीं कर रहे थे, तो अगर पालन नहीं हो रहा था और उसके कारण एनसेफेलाइटिस बढ़ गई और उसके कारण 172 बच्चे मर गए, तो फिर स्वास्थ्य मंत्री अभी भी कुर्सी में बैठे क्यों हैं, बताइए मुझे, वही तो मैं कह रहा हूं अर्णब, 10-15 बताइए मुझे, एक व्यक्ति एक गठबंधन की सरकार हो, ये मेरे भाई साहब बोलते हैं कि आपका हेल्थ मिनिस्टर 1.5 साल पहले कौन था, 2 साल पहले नलिन कोहली, बताइए मुझे, पढ़े लिखे हैं उन्होंने क्या कर दिया, 15 साल एक लंबा वक्त होता है, 5 साल में अगर मुख्यमंत्री की नियति सही हो, अरे छोड़ दीजिए, स्टेट को डेवलप किया जा सकता है, नलिन कोहली क्रूरता की तो हद है, जहां 19 दिन लग जाते हैं आपको मुजफ्फरपुर जाने में,
गरीब बच्चे, जब आपको इलेक्शन जीतना होता है मधेपुरा में कैंप कर देते हैं, 15 दिन कैंप लगा के बैठते हैं और यहाँ कैंप लगाने में आपको जो याद नहीं आती है, शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। आप इस्तीफा दीजिए, आप इस्तीफा दीजिए। गरीब बच्चों की याद सिर्फ आती है नलिन कोहली, गरीब नलिन कोहली राजनीति। आप नलिन कोहली को पूछिए, माधव आनंद आरएलएसपी के, आप नलिन कोहली को पूछिए, नलिन कोहली को पूछिए, अरे नलिन कोहली को पूछिए। मैं नलिन कोहली को पूछ रहा हूँ भाई, ये कैसा गठबंधन नलिन कोहली, ये कैसा साझा गठबंधन। आपको मौका है, छोड़ दीजिए, आपके पास 103 सीटें दिल्ली में है, एक ही मौका है नीतीश कुमार को सिखाने के लिए, छोड़ दीजिए बिहार के राज्य सरकार, हो जाए फ्रेश चुनाव बिहार में। आपको जरूरत नहीं है, आपको जरूरत नहीं है ऐसे मुख्यमंत्री की। अर्णव आपने क्यों उनका हाथ पकड़ के रखा है? अर्णव आई हैव 3-4 उनके सत्ता के स्रोत आप है, आप सत्ता के स्रोत आप है नलिन कोहली। आप बता दिए नलिन कोहली जी, नलिन कोहली नीतीश कुमार के सत्ता के स्रोत, उनके घमंड के स्रोत, उनके अहंकार के स्रोत सब आप है, आप रोक दीजिए उनको। बता दीजिए 10 साल से रोग हो रहा है वहाँ, पहली बार नहीं हो रहा है, 15 साल से कौन मुख्यमंत्री कुर्सी पे बैठा हुआ है? आप जवाब दे दीजिए, आप भी सत्ता में है। मैं कहता हूँ उस व्यक्ति की नियति सही नहीं है जो सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए गठबंधन। अरे ये सिखाते नलिन कोहली, नलिन कोहली, नलिन कोहली वापस आ गए। जवाब दीजिए शिवम त्यागी, शिवम त्यागी, मीडिया को अच्छी तरह से पेश आने की नसीहत देने के बजाय नीतीश कुमार को बीमारी के मुख्य वजह की मुख्य वजह और उससे जुड़े नहीं उसे जड़ से खत्म करने का रास्ता उन्हें खोजना चाहिए था, मगर नहीं, वो सिर्फ मीडिया को नसीहत देते हैं। अरे इसके अलावा उन्होंने अपने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को क्यों बढ़ावा दिया है, जिन्होंने हवा में नमी, शरीर में पानी की कमी, खाली पेट लीची खाना और रात से भूखे पेट सोना को बीमारी की वजह करार दिया है। आप मेरी बात सुनिए, ये स्वास्थ्य मंत्री और ये मुख्यमंत्री आज जाके बिहार की जनता को पूछे, आप पप्पू यादव को बोलिए, पप्पू यादव को बोलिए, बिहार की जनता बच्चों के आप जाके पूर्णिया से लेके गया, गया से लेके मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से लेके पटना, पटना से लेके कहीं पे भी बिहार में जाके आप लोगों को पूछिए कि क्या मानते हैं आपके बारे में, क्या सोचते हैं आपके बारे में। सब करीबी नजर बनाए रखिए, बैठे रहेंगे, नलिन कोहली शिवम त्यागी जी, आप पप्पू यादव से बात कीजिए, पप्पू यादव से बात कीजिए, आप पप्पू यादव को बताइए। ये दुर्भाग्य है इन लोगों को आप बैठाए हुए हैं, जो बात आई है तो हमेशा हम दूसरे देशों को देखते थे कि यूरोप में इंश्योरेंस होता है, गुलिस्ता क्या होगा, इसके अलावा यूएस में होता है, बीजेपी नहीं बच सकती सरकार के द्वारा, अगर के बच्चे मरते हैं ट्वीट होता है तो बिहार के बच्चों पर क्यों नहीं, और इंसेफेलाइटिस में अगर आज इलाज हो रहा है एक क्रिकेटर के चोट पर ट्वीट करते हैं तो बिहार के बच्चों पर क्यों नहीं, और आपने घमंडी मुख्यमंत्री कहा, अर्णब गोस्वामी घमंडी मुख्यमंत्री उसे कहते हैं जो आयुष्मान योजना को अपने स्टेट में लागू करने के लिए मना कर देता है, जैसे कि ममता दीदी, जैसे कि अरविंद केजरीवाल। मैं मानता हूं कि पप्पू यादव मौतें हुई है नहीं होनी चाहिए और राज्य सरकार भैया मेरे मिलकर इस पर और काम करेगी। भैया मेरे अरे आप मीडिया को मर्यादा बताने की बताने ही नीतीश कुमार का काम है तो फिर उन्हें एक कदम आगे बढ़कर इस बीमारी की वजह से अपने अपने राज्य के बच्चों को खाने वाला अस्पताल में सीटी स्कैन है। आप जरा लोगों को पूछिए, आपको लोगों को पूछिए कि एसिटामिनोफेन, आइब्यूप्रोफेन, नेप्रोक्सेन सोडियम, ये दवाइयों का इंतजाम क्यों नहीं करवाया नीतीश कुमार ने? हमें मर्यादा क्यों सिखा रहे हैं? मर्यादा तो थी कि ये दवाइयों की, देखिए आईसीयू में अच्छी सुविधा की और दवाइयों का इंतजाम करना उनका काम था, ये उनकी मर्यादा थी। मैं उनको सिखा रहा हूँ उनकी मर्यादा, मैं उनको उनकी मर्यादा सिखा रहा हूँ। तो चलिए पप्पू यादव जी, हम सिखाते हैं नीतीश कुमार को मर्यादा, क्योंकि नलिन कोहली नहीं सिखाएंगे। नलिन कोहली जी नहीं है, बिल्कुल नलिन कोहली चीफ मेडिकल ऑफिसर का बयान ये भी है कि बच्चे ऐसे परिवारों में ऐसे आते हैं जहां पे उनको कुछ नहीं पता है स्वास्थ्य के बारे में, इसलिए मर रहे हैं। 21,000 रुपया का सरप्लस है इनके पास। नलिन कोहली जी, आपका जो सरप्लस पैसा है वो कहां गया? 9,000 रुपया कहां गए? आप क्यों नहीं बोलते हैं? आप ये बोलिए ना कि 15 सालों तक बताइए। नलिन कोहली जी पूछता है भारत, आप जवाब दीजिए, पूछता है भारत जी। मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, आपका प्रश्न क्या है?
बीच में थोड़ा सा मेरे पास सिग्नल नहीं था तो कट गया था लाइन, तो मैं सुन नहीं पाया, पर अभी आप क्या कह रहे हैं? मेरा प्रश्न है कि 15 सालों की सरकार में 2 साल लालू यादव थे, 13 साल के स्वास्थ्य मंत्री आपके थे, 9,500 करोड़ रुपया आपने दिया वो गायब हो गया, 21,000 रुपया का सरप्लस है, एक भी अस्पताल में न टेक्नीशियन है, न लैब है, न एक्सरे मशीन है, न अल्ट्रासाउंड है, न सीटी स्कैन है, बिना जानकारी के इसका जवाब हम नहीं दे पाएंगे। आपने एक प्रश्न पूछा है पर मेरे पास इसकी जानकारी और आंकड़े नहीं है, तो मैं कैसे आपका जवाब ऐसे दे दूंगा? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने आंकड़ों को लेकर ऐसे अद्भुत बात कह दी, हजारों लोग जैसे मर रहे हैं, तो मतलब आप आंकड़ों को ऐसा लगता है कि जानबूझ के जोड़ देते हैं ताकि एक राजनीतिक विषय हो, लेकिन जो जो काम है वो तो सारा चिट्ठा सामने आता ही है। नलिन भाई आप 2013 से आंकड़े देख लीजिए, आपको 1,000 से ऊपर ना मिले तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, आप गिनती कर लें 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019। मैं आपसे कह रहा हूँ आप एक प्रश्न आंकड़े पर डाल रहे हैं, मैं इसको पप्पू यादव जी इस रूप से थोड़ी ना नजरअंदाज कर रहा हूँ। आपका आंकड़ा सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, पर मेरे पास जानकारी होगी तो मैं बता पाऊंगा, मैंने उन आंकड़ों को नहीं देखा है। हमारे कोई स्थानीय प्रवक्ता से अगर आप पूछेंगे या किसी नेता से पूछेंगे अवश्य आपको इसका जवाब मिलेगा। आज नलिन भाई 2013 मैं आखिर में ये कहूंगा कि आज नीतीश कुमार ने मीडिया पर हमला करते हुए कहा, पप्पू जी मैं आखिरी में एक क्लोजिंग स्टेटमेंट देना चाहता हूँ, कि आज नीतीश कुमार ने मीडिया पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि भाई मर्यादा का कोई ख्याल नहीं रखोगे क्या? पत्रकारों को क्या कहा कि मर्यादा का कोई ख्याल नहीं रखोगे क्या? तो इस पर मैं नीतीश कुमार से आज पूछना चाहता हूं कि अगर घमंडी नीतीश मेरी बात सुनो, अगर हमने मर्यादा का चिंता किया होता तो कौन बिहार में चल रही इतनी बड़ी लापरवाही का उजागर करता? हमें सिखाओगे मर्यादा? अरे घमंडी नीतीश, क्या नीतीश को इस बात से ये समस्या है? सबसे बड़ी समस्या उनकी क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमने सारी हदों को पार करते हुए, और सारी हदों को हम पार करेंगे, सारी हदों को पार करते हुए हमने उनके सरकार के बदसूरत सच को उजागर किया है। और नीतीश, घमंडी नीतीश, ये सुन लो, आपके सरकार, आपके कुशासन के बदसूरत सच का उजागर हम और भी करेंगे। मैं नहीं, पूछता है भारत। कल शाम आपसे, शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार।